साल की शुरुआत राहुल गांधी ने सियासी मुरब्बा बनाकर की, लेकिन इस बीच उनकी मां यानी सोनिया गांधी ने इस मुरब्बे में ऐसा जहर घोल दिया जिससे कांग्रेसी भी हैरान हो गए और राहुल गांधी की मुरब्बा बनाने की खुशी एकदम गम में बदल गई। राहुल गांधी अपनी मां की हरकतों से ही आग बबूला हो उठे। आखिर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में देखिए। ২০২৪ की शुरुआत के लिए सियासी धुरंधरों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच राहुल गांधी भी किचन में सियासी मुरब्बा तैयार करने के लिए बैठ गए ताकि इस मुरब्बे से बीजेपी पर वार कर सके, सियासी तकरार छेड़ सके। लेकिन इस मुरब्बे की खटास उन्हें ही ले डूबी क्योंकि सोनिया गांधी ने ही मुरब्बे पर राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। तो चलिए शुरुआत से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल शुरुआत राहुल और सोनिया गांधी के किचन गार्डन में जाने से हुई, जहां से राहुल गांधी संतरे तोड़कर लाए और उसके बाद शुरू हुई सियासी मुरब्बा बनाने की शुरुआत। प्रियंका गांधी बताती गई और राहुल गांधी मुरब्बा बनाते गए। इस दौरान सोनिया गांधी अपने पुराने वक्त को साझा करती दिखाई दी। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें शुरुआती दौर में भारतीय व्यंजनों के साथ तालमेल बैठाने में काफी दिक्कत हुई। कहीं न कहीं सोनिया गांधी ने मिर्च मसालों को सियासत में जोड़कर पेश किया। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी अपने मुरब्बे को सियासी रंग देने बैठ गए और इसी गलती ने उन्हें मुंह के बल गिरा दिया। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मुरब्बा तैयार होने के बाद एक बड़ी बात कह डाली, बीजेपी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मजाक बन गए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा, अगर बीजेपी वालों को भी जैम लेना हो तो वो ले सकते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने हंसते हुए ये बयान दिया, सोनिया गांधी ने चंद मिनटों में ही उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया, उनके मुरब्बे में जहर घोल दिया। ऐसा जहर जो राहुल गांधी के लिए ही घातक बन बैठा। तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि उनका ये मुरब्बा बीजेपी वाले फेंक देंगे, वो भी उनके ऊपर। बस सोनिया गांधी का ये बयान सुनते ही राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और घर वाले ही बेइज्जती कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी को डैमेज कंट्रोल भी करना था। राहुल गांधी अपनी ही माँ को कैसे कुछ बोल पाते, लेकिन उनके बयान को उन्होंने कोट करने की कोशिश की, लीपापोती करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपनी ही माँ के बयान पर छुटते ही कहा, बीजेपी के लोग उनके मुरब्बे को फेंकेंगे तो वो उन्हें उठा लेंगे। कहीं ना कहीं ये सियासी मुरब्बा बनाकर राहुल गांधी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। खैर, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की इस तरह की बेइज्जती हुई हो। हर मंच पर उन्हें अपने ही करीबियों के साथ मुंह की खानी पड़ती है। घर वाले ही उन्हें पप्पू साबित करने में जुटे हुए हैं। खैर, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो गए हैं कि वो हर किसी को सियासत से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लग जाते हैं। हाल ही में पहलवानों के साथ सियासी दंगल खेलते नजर आए थे, ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी पहलवानों की अनदेखी कर रही है तो मैं उनका मसीहा बन रहा हूँ। राहुल गांधी तो उनके साथ ऐसे खड़े थे जैसे पहलवानों के साथ वो शुरू से उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। लेकिन पीएम मोदी के खिलाड़ियों पर एक दांव ने चंद मिनटों में ही राहुल गांधी को पटकनी दे डाली। कभी राहुल गांधी कुली बन रहे हैं तो कभी मजदूरों के साथ मजदूरी कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन तरीकों ने जनता के बीच बस उनका मजाक बना दिया है। अब उनका मुरब्बा भी उनके लिए जहर बन गया है। तो राहुल गांधी का मुरब्बा वाला दाग तो उन्हें ले डूबा, अब बीजेपी कैसे उनके मुरब्बे को चखती है, जल्द ही अगली तस्वीर भी सामने आ जाएगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।